मामला बन पड़ा। अभी इनको मैं साजिद भाई की तो सुना दी, अपनी भी सुना दूं। अब जब मामला बन गया, मैं घरवाली से बोला आज तू बना ले कीमा। घरवाली बोली नहीं आज बनेगी दाल। मैं बोला बने आज बनेगा कीमा, अन्य तरह कर दूंगा बीमा। अब भैया वो कहने लगी आज बनेगी दाल, तो वो भी गर्म हो गई, मैं भी गर्म हो गया। मामला तूल पकड़ गया, कल फूल लगने की तो बता गई। मैं थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। अब जब मैं ठंडा पड़ गया, मैंने कहा देख अपनी बात तो ऊपर रखनी है भाई। हमने कहा देख भाई बात सुन ले, दाल बना ले तू बेधड़क हो गए, लेकिन अगर दाल में मजा ना आया तो कोने में रखा मोहम्मद रफी भाई। नहीं अगर दाद देनी बैठते तो नीचे उतर गए थे स्टेज में, इलावा बिल्कुल भी सामने बैठ वहां बिल्कुल स्टेज खाली। तो मैं कहा अगर दाल में मजा ना आया कोने में रखा मोहम्मद रफी। सारी रात लता मंगेशकर के गाने गावेगी, ध्यान करिए, लोग मुझे सुने और तू मुझे सुनावेगी सारी रात। तो मैंने बेगम से कहा कि जख्म दिल के उखेड़ सकता हूं, जख्म दिल के उखेड़ सकता हूं, तेरी चमड़ी उधेड़ सकता हूं। जख्म दिल के उखेड़ सकता हूं, तेरी चमड़ी उधेड़ सकता हूं, और मेरे पास ऐसा खंजर है तेरे अंदर घुसेड़ सकता हूं। आइए मैं आपको आपका पसंदीदा आइटम सुनाता हूं, सुनिएगा। अच्छी अगर बनी न तेरी दाल जान मन, अच्छी अगर बनी न तेरी दाल जान मन, अच्छी अगर बनी न तेरी दाल जान मन। हमारा ये प्रोग्राम आपको लाइव दिखाया जा रहा है दिलशाद जख्मी फेवरेट वीडियोस के माध्यम से, और आप जो भी हरकत करेंगे सब आपकी इंटरनेट पर कैद हो जाएगी, इसलिए सावधानी के साथ कोई भी हरकत आप करें। और इस शादी का ये पूरा प्रोग्राम हम लाइव दिखा रहे हैं और कुछ वीडियो बना के भी रखेंगे, वक्तन फवक्तन डालते रहेंगे। और इस शादी में जो आपको इनाम देना है वो भी याद रहेगा, दूल्हे को पता लग जाएगा दिलशाद जख्मी को इनाम किसने दिया और किसने नहीं दिया। तो आप अलर्ट होके बैठ जाएं और सुनिए। अच्छी अगर बनी न तेरी दाल जान मन, अच्छी अगर बनी न तेरी दाल जान मन, डंडे से उतारूंगा तेरी खाल जान मन, डंडे से उतारूंगा तेरी खाल जान मन। मुद्दत से जान मन मैं हूँ घर में पड़ा हुआ, मुद्दत से जान मन मैं हूँ घर में पड़ा हुआ, जाकर रहूंगा अब तो मैं ससुराल जान, जाकर रहूंगा अब तो मैं ससुराल जान मन, डंडे से उतारूंगा तेरी खाल जान मन। और देखिए साहब मैंने क्या कहा मैडम से, सुनिएगा। बीवी हो मेरी इश्क लड़ाती हो गैर से, बीवी हो मेरी इश्क लड़ाती हो गैर से, इज्जत करो न तुम मेरी पामाल जान मन, इज्जत करो न तुम मेरी पामाल जान मन, डंडे से उतारूंगा तेरी खाल जान मन। अम्मी के तेरे मरने का कल फोन आया था, अम्मी के तेरे मरने का कल फोन आया था, अब्बा भी हो रहे तेरे तंग हाल जान मन, डंडे से उतारूंगा तेरी खाल जान मन। जब तक था जख्मी शायर करते थे सब अदब, जब तक था जख्मी शायर करते थे सब अदब, तूने बना दिया मुझे कव्वाल जान मन, तूने बना दिया मुझे कव्वाल जान मन, डंडे से उतारूंगा तेरी खाल जान मन। क्या बात है जख्मी भाई, वाह वाह, दिलों पे राज कर रहे हैं बच्चों के आप।
जी मैं तो बच्चों की अम्मियों पे भी करता हूँ अल्लाह का शुक्र, दिल से फॉलो करती हैं वो भी मुझे। आइए, बच्चों की फरमाइशें मेरा दिल जलाने वाले, तो अच्छा देखिए, एक आइटम बहुत फेमस हुआ सोशल मीडिया पे, बच्चों की फरमाइश पे मैं पूरा करता हूँ, और हमारे प्रधान जी नरेंद्र, अच्छा यार ये शादी का प्रोग्राम है तो इसमें कम से कम कुछ जगह से खड़े हो, कुछ इनामों के नाम कुछ खर्च तो करो, कुछ बोनी बट्टा तो, तुम तो ऐसे बैठे हो जिन्हें ससुराल मारे हो, तो खड़े हो जाओ यार, ऐसे नहीं बात बनने की। सुनो, ऐसा हुआ दोस्तों कि हमारे प्रधानमंत्री जी, बड़े प्यारे प्रधानमंत्री जी हैं, और वक्त टाइम टाइम पे कोई ना कोई ऐलान करते रहते हैं, अब हमें भी उनसे डर लगने लगा है, न जाने कब ऐलान कर दें कि भाई और बहनों आज रात 8 बजे से तमाम औरतें आधार कार्ड से लिंक कर दी जाएंगी। अब हम भी सोच रहे हैं कि ये औरतें आधार कार्ड से लिंक हो जाएं तो बेहतर बात है, अगर हमारा आधार कार्ड लगेगा तो ये काम करेंगे नहीं पड़ी घर में। तो बच्चों की फरमाइश पे मैं हाजिर कर रहा हूँ, मैंने एक छोटा सा आइटम बहुत फेमस हुआ, मैं आप लोगों को फरमाइश पे सुनाता हूँ कि मोदी जी थरे राज में, मोदी जी थरे राज में, मारी मुंजी गई ब्याज में, मोदी जी थरे राज में, मारी मुंजी गई ब्याज में, मोदी जी थरे राज में, मोदी जी थरे राज में, मारी मुंजी गई ब्याज में, थोड़ी सी जो बची पुराली, थोड़ी सी जो बची पुराली, लोग ले गए शर्म लिहाज में, मोदी जी थरे राज में, मोदी जी थरे राज में, मारे रिक्शा तक के न पैसे, मारे रिक्शा तक के न पैसे, तम घूमो हवाई जहाज में, मोदी जी थरे राज में, मोदी जी थरे राज में, मोदी जी थरे राज में, मारे दवाई तक के न पैसे, मारे दवाई तक के न पैसे, मारे बच्चे मर गए खाज में, मोदी जी थरे राज में, मोदी जी थरे राज में, यू जख्मी बना के दाना, यू जख्मी बना के गाना, यू जख्मी बना के गाना, खुद गावे यारो समाज में, मोदी जी थरे राज में, मोदी जी थरे राज में। 100 रुपए सद्दाम शेर खान, ये देखिए 100 रुपए भाई सद्दाम शेर खान की तरफ से मुझे पहला इनाम आया है इस शादी की खुशी में, पहला इनाम। हम अपने लुकमान भाई से कहेंगे कि कैमरा एक बार इनके ऊपर करे और इन्हें दिखाए आवाम को, सद्दाम भाई का पहला इनाम हम तक पहुंचा है, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। मेरा दिल जलाने वाले, अच्छा अच्छा अच्छा, वो मुशायरा अंदाज की गजल है, अगर थोड़ी देर वैसे सुन लो, लास्ट में जब जाऊंगा तो सुनाता चलूंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, आप अपने हिसाब से कलाम पढ़िए। जी जी जी, मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। ये हथियार हमें आप लोगों की वजह से उठाने पड़े भाई साहब, वरना जो काम चल रहा था बहुत अच्छा चल रहा था वो, लेकिन आइए फिर भी आप सुनिएगा। जब मुशायरे का मामला आता है तो आदमी कैद हो जाता है, और जब इस तरह का मामला आता है तो आदमी आजाद हो जाता है। ये मैं गजल सुनाता हूँ आपको। तन्हाइयों में जब भी सोया करोगे तुम, कई कई के हमको याद फिर
रोया करोगे तुम। चांद होगा, चांद होगा, चांद होगा ना सितारों का बसेरा 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 होगा, हम ना होंगे तो तेरे घर में अंधेरा होगा, हम ना होंगे तो तेरे घर में अंधेरा होगा, हम ना होंगे तो तेरे घर में अंधेरा होगा। और दोस्तों सुनो शेर, कोई रिश्ता ना सही दर्द का रिश्ता होगा, दर्द का रिश्ता होगा, मैं तड़पता हूँ तो फिर वो भी तड़पता होगा, मैं तड़पता हूँ तो फिर वो भी तड़पता होगा, हम ना होंगे तो तेरे घर में अंधेरा होगा। ये जो दीवार पे कुछ नक्श है धुंधले धुंधले, ये जो दीवार पे कुछ नक्श है धुंधले धुंधले, उसने लिख लिख के मेरा नाम मिटाया होगा, उसने लिख लिख के मेरा नाम मिटाया होगा, हम ना होंगे तो तेरे घर में अंधेरा होगा। और दोस्तों शेर सुने, कौन आया है यहाँ कोई ना आया होगा, कौन आया भाई, जिनकी शादी है उनका नाम क्या है, भाई भूरे, भाई इरशाद उर्फ भूरा, काम करेगा इंशाल्लाह पूरा, ये उनकी शादी है और शादी का जश्न मनाया जा रहा है, और अब तक देखिए 100 रुपए का ओनली एक इनाम मुझ तक पहुंचा है। कमाल की बात ये है, क्या आप दूल्हे भाई से प्यार नहीं करते भाई, इस लमड़े से अगर करते हो तो खर्चा कर लो, खामे का कर रहे करते हैं करते, और 100 रुपए भाई सलमान साहब की तरफ से दूसरा इनाम आया है इस शादी की खुशी में, हम शुक्रिया अदा करते हैं साहब। और ये सलमान राजपूत मीरापुर से हैं, उनकी तरफ से ये इनाम आया है भाई भूरे की शादी की खुशी में। कौन आया है यहाँ कोई न आया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा, हम ना होंगे तो तेरे घर में अंधेरा होगा, जाके परदेश में तूने कभी सोचा होगा, जाके परदेश में, जाके परदेश में तूने कभी सोचा होगा, जिसको मैं छोड़ के आया हूँ वो तन्हा होगा, जिसको मैं छोड़ के आया हूँ वो तन्हा होगा, हम ना होंगे तो तेरे घर में अंधेरा होगा। बर्दाश्त हो ही नहीं रही, अच्छा ले भाई सुन ले फिर। मेरा दिल दिल के बाजार में, मेरा दिल दुखाने वाले हैं,
बेटे ब्याह होने वालों के भी दुख तो देखे हमने, ब्याह वाले का तो नाम नाम हो, बच्चे किसी और गई हो। घर लौटना मेरा तो ब्याह हो रहा ठीक मुँह तो भाई, हमने बहुत सारे केस पढ़े बैठे हमारी अदालत में, पता नहीं क्या क्या आया। मेरा दिल वो ऐसा हो जाए कि लतीफा याद आ गया, एक ऐसा ही भाई था मेरा, अब उसकी शादी हो गई, अब शादी होने के 3 महीने बाद लौंडा हो गया। अब जब शादी के 3 महीने बाद लड़का हो गया, अब रुका पड़ गया भाई, यार कमाल हो गया यार भाई, ये अजीब सी बात हुई यार, ये है वो है, अफरा तफरी मच गई इस बात को लेके, अब इसे छेड़े लौंडे भाई 3 महीने में, भाई कमाल हो गया। अब 5-7 दिन तो सुना, उसके बाद गुस्सा आना शुरू हो गया, अब डंडा लिया हाथ में, घरवाली को पकड़ा जाएगा, बोला बात सुन ले भाई। घरवाली ने सोचा आज तो पूरे वजूद में है, आज नहीं छोड़ने का, आज तो बक्कल उतार कर रख देगा। बस गया उसके सामने, कहने लगा भाई ये लोग बाग मुझे क्या कह रहे हैं, बोल रहा ऐसा है तुम्हारे गांव के लोग हैं बेवकूफ, मैं समझाऊंगी तुम्हें। बोला तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए, वो बोला 3 महीने। अरे मेरी शादी को, बोला 3 महीने। अब कितने हो गए, 6। अगर बच्चा कितने दिन में हुआ, 3 महीने। कम वक्त हो तो गए 9 महीने, तो लोग तुम्हारा बावला काट रहे हैं फालतू में, तो ऐसे ऐसे रखे भैया बना के जो पढ़ी लिखी सी आ जा। मेरा दिल दुखाने वाले तुझे लोग क्या कहेंगे, मेरा दिल दुखाने वाले तुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे यूं सताने वाले तुझे लोग है मेरा, तू छुड़ा रहा है दामन, जरा सोच जाने वाले तुझे लोग क्या कहेंगे, मेरा दिल। और अब ये बताओ भैया, आप लोगों को सुनाऊं क्या, वो तो हो गई गुलनार महल्ले में, आ जाओ फिर भाई, पैसे रखो पहले। अच्छा जी शुक्रिया। भाई तुम लोग तो वैसा सुनने वाले हो मामला, ये प्रोग्राम तो किसी हाल के अंदर होना था। बना रहा हूँ मदारी, बना रहा हूँ। जी देखिए, माशाल्लाह 100 रुपये का नोट हमारे जावेद भाई की तरफ से मुझ तक पहुंचा है, जावेद अंसारी की तरफ से, शादी की खुशी में हम शुक्रिया अदा करते हैं, और जावेद भाई को एक शेर नजर करते हैं कि बुलबुल को गुल सुन तो लो, बुलबुल को गुल और गुल को चमन तक ना मिला, और दा आशिकों के दिल को दागे जलन तक न मिला, और बाज आइए जनाब इन हसीनों के इश्क से, बहुत से आशिकों को कफन तक न मिला। ये बहुत ही खूबसूरत गजल मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, सुनिएगा। मेरी हालत पे दुनिया हंसे तो हंसे, मेरी हालत पे दुनिया हंसे तो हंसे, आपका मुस्कुराना जरूरी नहीं। मेरी हालत पे दुनिया हंसे तो हंसे, आपका मुस्कुराना जरूरी नहीं। मेरी हालत पे दुनिया हंसे तो हंसे, आपका मुस्कुराना जरूरी नहीं।
दिल दुखाना जरा कुछ समझ सोच कर, दिल दुखाना जरा कुछ समझ सोच कर, ऐसे दिल का दुखाना जरूरी नहीं, दिल दुखाना जरा कुछ समझ सोच कर, ऐसे दिल का दुखाना जरूरी नहीं। और नौजवान दोस्तों, जो टूटे हुए लड़के हैं उनके लिए शेर सुना रहा हूं। आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, सिर्फ थोड़ी सी जहमत गवारा करो। आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, सिर्फ थोड़ी सी जहमत गवारा करो। मेरे ही खून से हाथ रंग लो अगर, मेरे ही खून से हाथ रंग लो अगर, कोई मेहंदी लगाना जरूरी नहीं, मेरे ही खून से हाथ रंग लो अगर, कोई मेहंदी लगाना जरूरी नहीं। और ये मयारी शेर है, मेरा मूड है कि मैं आपको शेर को सुनाऊं, अगरचे माहौल नहीं है लेकिन शेर सुनिए। शेख हो या हो वाइज़े मोहतरम, मौत का है ये पैगाम सबके लिए। शेख हो या हो वाइज़े मोहतरम, मौत का है ये पैगाम सबके लिए। दिल अगर सर से पहले ना सजदा करे, दिल अगर सर से पहले ना सजदा करे, दर पे सर का झुकाना जरूरी नहीं, दिल अगर सर से पहले ना सजदा करे, दर पे सर का झुकाना जरूरी नहीं। मेरी हालत पे दुनिया हंसे तो हंसे। और ये शेर भी बतौर खास के, गुस्ल जब दे चुके मुझको दफना दिया, गुस्ल जब दे चुके मुझको दफना दिया, बाद में मेरी मैयत पे कहने लगे। देखिए साहब कितनी प्यारी बात कही है, गुस्ल जब दे चुके मुझको दफना दिया, बाद में मेरी मैयत पे कहने लगे। मरने वाले से ये 100 रुपए भाई तोफी की तरफ से इनाम आया है इस शादी की खुशी में, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये प्यारा सा शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। गुस्ल जब दे चुके मुझको दफना दिया, बाद में मेरी मैयत पे कहने लगे। मरने वाले से अब रिश्ता नाता ही क्या, मरने वाले से अब रिश्ता नाता ही क्या, गम में आंसू बहाना जरूरी नहीं। मरने वाले से जी, मरने वाले से अब रिश्ता नाता ही क्या, गम में आंसू बहाना जरूरी नहीं। मेरी हालत पे दुनिया हंसे तो हंसे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया एकदम। एक बार कम से कम जोरदार ताली तो बजा दो यार, कम से कम। बिल्कुल, तुम तो और यहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि दिलशाद भाई कुछ पेवर गजल सुना दो। जी भाई, मयारी गजल सुनने के मूड में हो? पेवर गजल। हाँ बेटे बैठ जाओ, और अब थोड़ा सा हंगामा कम। कुछ सुखन फैम लोग भी यहाँ मौजूद हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, और मैं चाहता हूँ कि उन्हें अपना रंग दिखाऊं कि दिलशाद जख्मी किस तरह की गजल पसंद करता है। आइए मैं हाजिर करता हूँ, सुनिए। मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं,
सहारनपुर से हैं असर साहब, उनका उनके दो कते मुझे याद आ रहे हैं और मैं हाजिर करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पसंद फरमाएंगे के तेरे होंठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतुरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले ये बता उनको खिलाई है कमाई कैसी। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। इकबाल असर हैं ये और जी फरीद अहमद हरियाणा 500 रुपये, देखिए ये सबसे बड़ा इनाम अब तक का हमारे फरीद अहमद हरियाणा से 500 रुपये का इनाम मुझ तक पहुंचा रहे हैं। मैं इनका दिल की गहराइयों से, भाई साहब इस गजल का एक भी शेर बेकार नहीं जाने देना वरना कुछ भी ये लगेगा कि कुछ नहीं सुना आपने। मेरा मूड है कि मैं आपको इस गजल को सुनाऊं और आप सब लोग इसका मजा लें। के वक्त की नजाकत को हमने यूं उठाई है, महमूद असर, नऊजुबिल्ला इकबाल असर नहीं, महमूद असर का शेर था ये। और दूसरा भी शेर भाई महमूद असर साहब का मैं आपको सुना रहा हूं कि वक्त की नजाकत को हमने यूं उठाई है गर्मियों के कपड़ों में सर्दियां बिताई है। वक्त की नजाकत को हमने यूं उठाई है गर्मियों के कपड़ों में सर्दियां बिताई है और रात उसकी बातों ने नींद तक उड़ा डाली, रात उसकी बातों ने नींद तक उड़ा डाली, हमने गोद में लेकर जिसको लोरियां सुनाई है। रात उसकी बातों ने नींद तक उड़ा डाली, जिसको गोद में लेकर हमने लोरियां सुनाई है और जिसे आइए गजल का मतलब सुनिए साहब। एकदम क्लासिकल गजल सुन रहा हूँ साहब, बिल्कुल क्लासिकल गजल और मेरा मूड है गजल सुनाने का। ये लड़कों कोई भी हंगामा नहीं बीच में, बिल्कुल सुनो, अगर समझ में आए तो दाद दो वरना चुपचाप बैठे रहो और गजल सुनो। कोई आंसू कोई जुगनू कोई तारा होता हम सफर कोई अंधेरों में हमारा होता, बढ़ते जाते थे कदम रुकने की तलब में मेरे, हम पलटवाते अगर तूने पुकारा होता। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। आइए मतला सुनिए और इसी संजीदगी के साथ सुनिएगा। हम जब अपने घर आए, हम जब अपने घर आए, हम जब अपने घर आए, आँख में आंसू भरवाए, हम जब अपने घर आए, आँख में आंसू भरवाए, हम जब अपने घर आए, आए हम जब अपने घर आए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। मुझे दिलशाद जख्मी कहते हैं और मैं इस तरह के शेर पसंद करता हूं, वो तो मुझे बच्चों की वजह से कुछ ना कुछ रेडीमेड रखना पड़ता है, लेकिन सुनिएगा।
हम जब अपने घर आए आँख में आंसू भरवाए, हम जब अपने घर आए। शेर देखिए साहब, चिड़िया रो गई कहने लगी अरे रे गम पे घरे कवली रे गम के परवाह आए, क्यों बच्चों के परवाह आए, आँख में आंसू भरवाए आए आए, हम जब अपने घर आए। आए आए हम जब अपने घर आए, उनसे रिश्ता तोड़ दिया, जरा सी बात पे हर रस्म तोड़वाया था। हाय हाय, वो मंजर आज भी याद है सुनिए साहब। जरा सी बात पे हर रस्म तोड़वाया था, दिले तबाह ने कैसा मिजाज पाया था, मुआफ कर न सकी मेरी जिंदगी मुझको वो एक लम्हा जो मैं तुझसे तंग आया था, उनसे रिश्ता तोड़ दिया जो करना था करवाए, जो करना था करवाए, आँख में आंसू भरवाए आए आए आए, हम जब अपने करवाए आए हाय। जख्मी अपनी गजलों से सबको जख्मी करवाए, सबको जख्मी अपनी गजलों से सबको जख्मी करवाए, आँख में आंसू भरवाए आए आए, हम जब अपने घर आए। क्या बात है दत्ती भाई, लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत।